अगर आपके पास मोटोरोला वाला गेमपैड है और आप इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम देखेंगे कि हम अपने गेमपैड को लैपटॉप के साथ ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन टेक ट्यूब। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये है हमारा गेमपैड और चलिए हम अपने लैपटॉप के अंदर कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर अभी गेमपैड कनेक्टेड नहीं है, चलिए हम ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर जाके एड डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और हम अपने गेमपैड के अंदर एम और ए बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गेमपैड पेयरिंग मोड के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ दो LED ब्लिंक करेंगी और लैपटॉप के अंदर गेमपैड प्लस शो होने लगा है। चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर गेमपैड कनेक्ट हो चुका है। अभी इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। चलिए, इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, हम इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको चेक कर लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्लूटूथ मोड में ये किस किस गेम के साथ वर्क करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं प्लेस्टेशन पोर्टेबल के इम्युलेटर में। और यहां पर हम गेमपैड से नेविगेट कर पा रहे हैं लेकिन ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। चलिए हम अपने गेमपैड को मैप कर लेते हैं। तो आपको यहां पर जाकर अपने सारे बटन्स को मैप करना होगा। तो अभी हमारा गेमपैड वर्क करने लगा है। तो प्लेस्टेशन पोर्टेबल के एमुलेटर के अंदर हमारा गेमपैड काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम 8-bit गेम्स के एमुलेटर में ट्राई करते हैं। और हम ओपन करते हैं कॉन्ट्रा। यहाँ पर हम इनपुट के अंदर जाके अपना गेमपैड मैप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको इस तरह से सेलेक्ट करके सारे बटन्स को मैप करना है। We'll be right back.
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गेमपैड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए हम ट्राई करते हैं पीसी गेम के अंदर और हम ओपन करते हैं गियर्स ऑफ वॉर। तो यहाँ पर गेमपैड वर्क नहीं कर रहा। चलिए हम गेमपैड को ऑफ करके गेमपैड को यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और हम देखेंगे कि वायर्ड मोड में हम गेमपैड से गियर्स ऑफ वॉर खेल सकते हैं या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं एलईडी नंबर 2 ग्लो हो रही है और इस मोड में भी गेमपैड वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए हम इसको एक्सबॉक्स मोड के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए हम M और A की को एक साथ प्रेस करेंगे। पर इस मोड के अंदर गेमपैड प्रॉपरली वर्क करने लगा है। तो चलिए हम कंट्रोल पैनल ओपन करके व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक्सबॉक्स 360 कंट्रोलर भी आ गया है। चलिए हम NFS मोस्ट वांटेड के अंदर ट्राई करते हैं। और इस मोड में ये NFS मोस्ट वांटेड के अंदर भी कॉम्पेटेबल है। चलिए हम USB केबल हटा देते हैं और हम वायरलेस मोड में ट्राई करते हैं और वायरलेस मोड के अंदर गेमपैड NFS मोस्ट वांटेड के अंदर भी सपोर्टेड नहीं है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।